चल बच्चों, मैं आप सबके माइक्स जो है वो अनम्यूट म्यूट ऑल कर रहा हूँ। और जवेरिया सी आर, माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस बहन आप सबके अटेंडेंस वो जो है वो मार्क कर लीजिएगा और प्लीज मेरी क्लास एंड पे शेयर कर दीजिएगा सबके अटेंडेंस। सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हम 1 मिनट और इंतजार करते हैं। आई बिलीव पार्टिसिपेंट बहुत तेजी से हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। रिफत अयूब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। रिफत अयूब, जी सर, अच्छा बहन आप कुछ कह रही थी और हमारा सेशन खत्म हो गया था। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के बारे में अपनी बात मुकम्मल करना चाहें तो प्लीज करें। ये कह रही थी कि पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है डिसीजन के बनाने के लिए, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग को फुलफिल करने के लिए हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिसमें स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हम अपनी पॉलिसी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ और कहना है आपने? ठीक, नो सर। थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास पॉलिसी प्रोसीजर की एग्जांपल्स भी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं। अच्छा, अब इससे पहले हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स का बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि बीमारी अलग है तो उसका हल भी अलग होगा। पहले स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन था वो प्रोग्राम डिसीजंस थे, और जब चूंकि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो उसका जो डिसीजन है वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के जरिए इसका सोल्यूशन है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या शराइत हैं। प्रॉब्लम दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपके लिए बिल्कुल नई हो, अनयूजुअल हो और उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन या तो एम्बिगुअस और क्लियर ना हो, और या फिर इनकम्प्लीट हो, मौजूद हो लेकिन मुकम्मल ना हो, या फिर हो लेकिन क्लियर ना हो, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप अनस्ट्रक्चर्ड कहते हो। तीसरा है, दूसरा है आपके पास शायद प्रॉब्लम दैट विल रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन, और ये वो प्रॉब्लम है कि जिसमें आपको कस्टम मेड सोल्यूशन लेकर आने पड़ते हैं। मीन्स हर प्रॉब्लम के लिए अपना एक अलग सोल्यूशन होगा। आप एक बने बनाए रूल्स, पॉलिसी या प्रोसीजर से उस मसले को एड्रेस नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अलग प्रॉब्लम अलग सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम अपनी नौईयत में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। पहली दफ़ा आया तो ना ही इसके आपके लिए इससे पहले आपके पास इसके लिए कोई पॉलिसी या रूल्स या प्रोसीजर मौजूद होंगे, तो इसलिए आपको पहली दफ़ा देखना और शुरू से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए जो प्रॉब्लम्स के लिए जो डिसीजन है वो आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। नॉन प्रोग्राम डिसीजन की क्वालिटीज क्या है? डिसीजन दैट आर यूनिक एंड नॉन रेकरिंग। ऐसा डिसीजन जो यूनिक हो, और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है वो बार बार ना आता हो। डिसीजन दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्सेज, एक ऐसा डिसीजन जो कि बिल्कुल अलग तरह का रिस्पॉन्सेज जनरेट करे, उसे आप नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। अच्छा, अब इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए हम ये करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को आमने सामने रखते हैं, और आमने सामने रखकर हम इनका कंपैरिजन करते हैं। इससे ये तो कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में अगर इस तरह वो सवाल पिच किया जाता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। फिर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक फिर फर्स्ट मैं एक होलसेल बिजनेस के अंदर मौजूद हूँ, और मेरी जो इंडस्ट्री है वो लेट सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मैं रिटेलर नहीं हूँ, मैं होल सेलर हूँ। मीन्स मैं बल्क में माल खरीदता हूँ और बल्क में ही आगे सेल करता हूँ। मैं जो कपड़े बेचता हूँ वो अन सिले हैं, वो अन स्टिच ड्रेसेस हैं जो मैं बेच रहा हूँ, सिर्फ कपड़ा बेचता हूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पहले, और मैं अभी बिजनेस को सीख रहा हूँ। इससे पहले मैंने काम किया था कपड़े की दुकान पर, लेकिन वो रिटेल बिजनेस था। फर्स्ट टाइम मैं होल सेल बिजनेस के अंदर आया हूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि गाइडलाइन के लिए सीनियर्स मौजूद थे, तो मैंने अपने किसी जानने वाले से काम हम सीखा, तो उन्होंने मुझे जनरल प्रोसीजर बता दिया कि चाहिए ऐसे 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 ये चीज़ें इस तरीके से करना है। तो उन्होंने मुझे जनरल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बता दिए, मैंने उन्हें अपने पास रख लिया और मैं उसी तरीके से अपना बिजनेस कंटिन्यू करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि माल यहाँ से खरीदना है और यहाँ बेचना है। उन्होंने कहा कि इस माल पे
इस रेट पे माल खरीदना है और इस रेट पे खरीद बेचना है और इन लोगों से खरीदना है और इन्हीं लोगों को बेचना है, इस तरीके से माल मंगवाना और इस तरीके से आके बेच देना, और रास्ते में ये चार्जेस होंगे, यहाँ चार्जेस पे करने और यहाँ चार्जेस पे नहीं करने, ये सारी बातें उन्होंने रूल्स एंड पॉलिसी और प्रोसीजर्स की शक्ल में मुझे बता दी। अब अचानक से पता ये चलता है कि अच्छा वो जो साहब की बिजनेस कर रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो पिछले 10 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। अचानक से पता ये चलता है कि मैंने जो माल खरीदा था और मैंने जहाँ पे उसे डंप किया, जहाँ पे उसको स्टोर किया, जहाँ पे उसको सेव किया, वहाँ पर चूहे बहुत सारे दाखिल हो गए और मेरा जो जितना भी मैंने स्टॉक था वो खा भी गए, और साथ ही साथ बारिशों का जो पानी था वो कहीं खड़ा हुआ था, और वो जो मेरा वेयर हाउस था, वेयर हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे था, वो पानी डंप हुआ हुआ था, वो पानी गंदा हो गया था सीवरेज लाइन की तरह, और उसके बाद उसने लीकेज किया और सारा मेरे जो सामान था वो डिस्पोज ऑफ खराब हो गया बहुत ज्यादा। अब इस खराब शुदा माल को मैं कहाँ बेचूँ, कैसे प्रॉब्लम करूँ, ये एक प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपने प्रॉब्लम पूरी सुन ली है, अब मुझे बताएं, और बैकग्राउंड भी सुन लिया, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। और मेरा ये सवाल है राबिया बीबी से, ना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, बेटा आपने जो कहानी सुनी है ये यस बताइए, सर, ये जो मामला है ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का है या अनस्ट्रक्चर्ड का? सर ये अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि आपने न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। थैंक यू बच्चे, मैं अब अपना माइक आपको म्यूट कर रहा हूँ। और मेरा एक और सवाल है अरीबा हमीद से, अरीबा हमीद अपना माइक म्यूट कीजिएगा। यस सर, बहन आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में ये जो सवाल, ये जो पूरी कहानी बताई गई, इसमें जो प्रॉब्लम मुझे फेस आ रही है, कि स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? सर अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि ये प्रॉब्लम आपने पहले फेस नहीं करी, ये नई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, मैं चाहूँ तो प्रोग्राम्ड डिसीजंस की तरफ जाऊँ या अनप्रोग्राम्ड की तरफ जाऊँ, तो कौन सा सूट करेगा मुझे? सर अनप्रोग्राम्ड, नॉन, नो सॉरी मेरी गलती, नॉन प्रोग्राम कहता हूँ, सॉरी मेरी गलती, नॉन प्रोग्राम। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अच्छा समिया, सुमैया रफीक, तो माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा। सुमैया रफीक, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है। सैरिश खत्री, अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, बहन आपकी नजर में ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड? जी बहन, हेलो, उमर फारूक माइक अनम्यूट कीजिएगा। अब्दुल करीम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, आइए बताइएगा आपकी नजर में ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड, सर ये अनस्ट्रक्चर्ड है। रीजन बताएंगे आप? सर इसका रीजन ये है कि इसमें जो ना आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अच्छे प्रॉब्लम हुई, अब इसके जो ना सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो आपको जो ना पूरा कंफर्म नहीं है आपको। ठीक है, तो अब क्या मैं इसके लिए कोई नया सोल्यूशन लेकर आऊं या पुराना सोल्यूशन चलेगा? सर ये क्योंकि आपने प्रॉब्लम कभी फेस की नहीं थी तो ऑब्वियसली आप नया सोल्यूशन लेके आएंगे, अगर आपने पहले की होती तो आप पुराने सोल्यूशन की बेस पे इसको सॉल्व करते। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि आप ये बता दिए मुझे कि हाँ, क्या कोई पॉलिसी प्रोसीजर या रूल मेरी हेल्प कर सकता है इस मामले में? सर पॉलिसी प्रोसीजर और रूल तो इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। शाबाश शाबाश, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सैरिश खत्री अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, बहन आपसे भी यही सवाल है कि आपकी नजर में ये सवाल, ये जो मसाइल बताया था मैंने, आपका प्रॉब्लम ये स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड?
अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि ये पहले मसाइल आया नहीं था, अब ये आया है तो इसमें ये प्रोसेस ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पुरानी पॉलिसी काम नहीं करेगी मेरे लिए। यस सर, बिल्कुल। अच्छा ठीक, थैंक यू बच्चों। अच्छा बच्चों, आपसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो सवाल क्लास बीच में रोक के, और इससे हमारा पेस थोड़ा स्लो होता है, ये सवाल पूछने का आपको तंग करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि एक तो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो भी बढ़ती रहे, और साथ ही साथ अगर कोई पॉइंट मेरे समझाने में रह गया है तो आप ही क्लास में जब उसे एक्सप्लेन करेंगे तो मे बी आपको और बेहतर तौर पर समझ पाएंगे उस चीज़ को। अच्छा जी, अब हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम समझ चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब ये स्लाइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे सवाल होने वाले। अब यहाँ पे प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का आपस में कंपैरिजन है वो देख लेते हैं कि प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और नॉन प्रोग्राम के अंदर क्या। पहले हम प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो मैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करूँ तो प्रोग्राम डिसीजन सिर्फ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए होते हैं। ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर होगी। जो चीज़ें इसमें नई है वो ये है कि मैनेजरियल लेवल की बात की जाए तो जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो लोअर लेवल्स के लिए होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ये अपर लेवल के लिए होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? याद रखिएगा कि पॉलिसी और प्रोसीजर्स की हेल्प मौजूद होती है प्रोग्राम डिसीजंस में, और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में पॉलिसी और प्रोसीजर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए अपर लेवल जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर लेवल मैनेजर्स हैं, वही नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सॉल्व कर पाते हैं या नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को इस्तेमाल कर पाते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जो नॉन मैनेजर या फिर लोअर लेवल स्टाफ है वो चूँकि इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, तो इसीलिए वो उसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वो ट्रेंड नहीं होते। तो इसीलिए मैनेजरियल लेवल की अगर बात की जाए तो प्रोग्राम डिसीजंस लोअर लेवल्स ले लेते हैं और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस है वो अपर लेवल मैनेजर या टॉप मैनेजर मैनेजर्स होते हैं, सिर्फ वो ही लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई फर्दर गाइडलाइन मौजूद नहीं होती, वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर मसलों का हल निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात, तो एक दफ़ा अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के जरिए सॉल्व हुई और अपर मैनेजर ने उसे एक दफ़ा सॉल्व कर दिया, तो ये भी वो मुश्किल ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस प्रॉब्लम को के लिए वो कोई पॉलिसी या प्रोसीजर्स बना दें ताकि इन केस अगर फ्यूचर में वो चीज़ आती है तो किसी लोअर स्टाफ से भी या नॉन मैनेजरियल स्टाफ से भी वो चीज़ सॉल्व करवाई जा सके पॉलिसी और प्रोसीजर्स देकर। तो हो सकता है जो अगली बार वो प्रॉब्लम आएगी तो वो ऑब्वियसली जब दोबारा वो प्रॉब्लम आएगी तो वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगी, वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी बिकॉज वो एक दफ़ा पहले आ चुकी है। तो जब आ चुकी है तो उसको लोअर लेवल स्टाफ से सॉल्व करना, तो उसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। इसीलिए जब एक दफ़ा टॉप लेवल मैनेजर्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके साथ ही उसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स भी बना दिए जाते हैं ताकि अगली दफ़ा लोअर लेवल उसको आसानी से सॉल्व कर सके। अब बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स इसकी कितनी दफ़ा वो पलट पलट के वापस आती है। तो प्रोग्राम डिसीजन जो होती हैं वो रेपिटेटिव होते हैं और रूटीन में होते हैं, बार बार आते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो बिल्कुल न्यू होते हैं और अनयूजुअल होते हैं, कभी कभार लेने पड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो प्रोग्राम डिसीजन में इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होती है, बिल्कुल मौजूद होती है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में या तो इन्फॉर्मेशन एम्बिगुअस होती है, एम्बिगुअस का मतलब वो धुंधला होती है, क्लियर नहीं होती, या फिर वो इनकम्प्लीट होती है, मुकम्मल नहीं होती, या है तो क्लियर नहीं है, और अगर हो ये भी हो सकता है कि अधूरी इन्फॉर्मेशन है आधी नहीं, ये दोनों मसाइल भी हो सकते हैं। गोल्स की बात की जाए तो प्रोग्राम डिसीजंस में गोल्स बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में गोल्स भी क्लियर नहीं होते, वो भी वेग होते हैं, धुंधले होते हैं, अनक्लियर होते हैं। टाइम फ्रेम फॉर सॉल्यूशन की बात की जाए तो प्रोग्राम डिसीजन में चीज़ें जल्दी शॉर्ट टाइम में सॉल्व करनी पड़ती हैं बिकॉज सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, बस एग्जीक्यूट करना है, तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में कंपैरेटिवली मैं देखूं प्रोग्राम डिसीजंस के मुकाबले में तो नॉन प्रोग्राम में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में, चीज़ें निकालने में, एंगल्स एक्सप्लोर करने में। सोल्यूशंस रिलाइज ऑन प्रोग्राम डिसीजंस के सोल्यूशन है वो प्रोसीजर रूल्स एंड पॉलिसी पे डिफाइन रिलाई करता है, इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर आपका सोल्यूशन बनता है। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की बात की जाए तो वो मैनेजर की अपनी जजमेंट और क्रिएटिविटी की बेस पर फैसले लिए जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब इस स्लाइड पे हम ठीक ठाक टाइम लगाने वाले हैं और आपसे मजीद सवाल इसी स्लाइड को पूछेंगे। मेरा सवाल है राबिया तनवीर से, अब तो माइक अनम्यूट कीजिएगा।
राबिया तनवीर, राबिया तनवीर आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अच्छा राबिया तनवीर, आपसे सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि प्रोग्राम डिसीजंस और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में कोई एक फर्क। हेलो। यस सर। कोई एक फर्क बता दें। प्रोग्राम डिसीजन में जो हमारा टाइम लगता है सॉल्यूशन के लिए वो बहुत कम टाइम लगता है, और नॉन प्रोग्राम में ना हमारे पास ज्यादा टाइम लगता है, मतलब सोच समझ के हमें कोई सॉल्यूशन निकालना। अच्छा बहन, इससे इसके अलावा एक मिनट का सवाल और भी करते हैं आपसे। ये बहन ये बताइएगा, जो प्रोग्राम डिसीजन है क्या वो हर तरह का बंदा ले सकता है या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है? कौन सा डिसीजन? प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन जी, पहले वाला प्रोग्राम डिसीजन। हर तरह का बंदा ले सकता है। हर तरह का बंदा ले सकता है, ठीक है। और जो नॉन प्रोग्राम है उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपर लेवल मैनेजर्स हों, सीनियर मैनेजर्स हों, तो ही वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि जूनियर लेवल जो स्टाफ है उनके बस की बात नहीं होती। ठीक, थैंक यू मैम। मेरा अगला सवाल है, और इंशाल्लाह अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मोहम्मद इंशाल मौजूद हैं? नहीं, मोहम्मद इंशाल हमारे साथ फिलहाल मौजूद नहीं है। नहीं, फिलहाल मोहम्मद इंशाल मौजूद नहीं है। अलीशा नदीम, तो माइक अनम्यूट कीजिएगा। अलीशा नदीम, हेलो बहन, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में कोई दो फर्क जो आपके अंडरस्टैंडिंग में। जी, प्रोग्राम और अनप्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में कोई एक फर्क। शायद अलीशा मौजूद नहीं है हमारे साथ। उबैस, उबैस अब तो माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। ये दोस्त ये बताइएगा, आपकी नजर में प्रोग्राम और अनप्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में क्या फर्क है, कोई एक फर्क? सर ये मुझे समझ नहीं आया सर ये। चलें ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, क्वेश्चन आंसर्स में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जी सर, जी सर। ठीक है, अदील, अदील मुनव्वर अब तो माइक अनम्यूट कीजिएगा। अदील, अदील मुनव्वर ये बताइए, आपने अभी ज्वाइन किया हमें? अदील के माइक में भी कोई इशू है। अरबाब अली, अरबाब अली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अरबाब ये बताइए, आपकी नजर में प्रोग्राम डिसीजंस में और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में क्या फर्क होता है? सर सेकंड क्लास में तो अभी ज्वाइन हुआ है। तो अभी ज्वाइन किया है, चले हमारे साथ रहिए और आपको आंसर्स मिलते रहेंगे अपने सवालों के। मोहम्मद एहसनुल्ला, माइक अनम्यूट कीजिएगा अपना। मोहम्मद एहसनुल्ला, आपकी नजर में प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या फर्क होता है? इनकी जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रक्चर होती है, प्रोग्राम डिसीजन में और प्रोग्राम डिसीजन में ये अनस्ट्रक्चर होती है। शाबाश, एक और बता दे। और जो इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेडीली अवेलेबल होती है, आपके पास अवेलेबल होती है प्रोग्राम डिसीजन की काफी मकदार में। और नॉन प्रोग्राम जो होते हैं उसमें आपके पास इनकम्प्लीट और मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती। थैंक यू बच्चे। जवेरिया नईम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। बहन आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मैं गोल्स की बात करूं तो गोल्स में एतबार से प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या फर्क होता है? सर गोल के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम में जो होता है गोल बिल्कुल क्लियर होते हैं, जबकि नॉन प्रोग्राम में वो क्लियर नहीं होते, वो ब्लर से होते हैं।
ठीक है। अच्छा ये बताइएगा अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो क्या फर्क रहता है दोनों में? सर जो प्रोग्राम होते हैं वो शॉर्टली होते हैं और जल्दी से उसका सलूशन मिल जाता है, और जबकि नॉन प्रोग्राम होते हैं वो लेट एज कम्पेयर टू प्रोग्राम, वो देर से सॉल्व होते हैं। ठीक है। फिर एक और मेरा सवाल है, क्या ये जुमला कहना सही है कि आज जो मसला अनस्ट्रक्चर्ड है कल को वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता? यस सर, हो सकता है। कैसे? क्योंकि सर अगर हमने आज सॉल्व किया तो हमें उसका सलूशन मिल गया, भले टाइम जितना भी लगा लेकिन हमारे पास एक सलूशन आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हमें पहले से ही पता होगा कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। चल थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की तरफ। अच्छा ये एक मजे की चीज है डिसीजन मेकिंग कंडीशन। लेट्स सपोज आपने आपको एज अ डिसीजन मेकर एज्यूम कीजिएगा और आप डिसीजन ले रहे हैं। जब भी आप किसी तरह का डिसीजन लेते हो एज अ मैनेजर तो उस सूरत में तीन बातें होती हैं, तीन उम्मीदें होती हैं जो आपको अपने अपने डिसीजन से होती हैं। नंबर वन, आपको बिल्कुल कंफर्म होता है कि यार मेरा डिसीजन काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार नहीं जी शायद काम करे शायद ना करे, इतने परसेंट चांसेस हैं काम करे और इतने परसेंट चांसेस हैं कि काम ना करें। और तीसरा ये होता है कि यार आपको ज़रा बराबर कोई भरोसा नहीं होता अपने डिसीजन के ऊपर कि वो ज़रा भी काम करेगा, बस आपने तुक्का लगा दिया चल गया तो चल गया नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। तो ये डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में हम इन कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर मेक एन एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज द आउटकम्स ऑफ एवरी ऑल्टरनेट चोजन इज नोन। सर्टेनिटी की स्टेट हम तब कहेंगे कि जब डिसीजन मेकिंग के वक्त मैनेजर उस वक्त डिसीजन ले जब उसे पता हो कि सारे के सारे ऑल्टरनेट्स में से क्या क्या जो चूज करेगा हर चॉइस पे क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल क्लियर हो के ये चूज करूंगा तो ये होगा, ये बटन दबाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, वो बिल्कुल सर्टेन बिल्कुल क्लियर हो तो हम कहेंगे अब जो डिसीजन मेकिंग हुई है उसमें सर्टेनिटी मौजूद थी। अगर मैनेजर अपने एक एक अल्टरनेट के बारे में बिल्कुल जानता है कि यार ये चीज ऐसे काम करेगी एग्जैक्टली वैसे ही काम करे। अच्छा सेकेंड है हमारे पास रिस्क। रिस्क की सिचुएशन कब रहेगी? अ सिचुएशन इन विच द मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम दैट रिजल्ट फ्रॉम द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। रिस्क का हम एलिमेंट अब कहेंगे जब अल्टरनेट जो भी हमारे पास जो मैनेजर है वो ये एनालाइज कर पाए कि यार कितने कितने परसेंट चांसेस हैं नए डिसीजन के ठीक हो जाने के, या फिर उसमें उसमें कुछ एस्टिमेशन लगा सके या प्रोबेबिलिटी दे सके। फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसा हुआ मैंने डिसीजन ले लिया है इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी सेल बूस्टअप करनी है। अब सेल बूस्टअप करने के लिए अमूमन आपने देखा होगा जो छोटे बाजार होते हैं वहाँ पर जब आप इंटर होते हैं, क्योंकि याद रखिएगा बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस के अंदर जाना जरूरी है, मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको इस तरह के इन्वॉल्वमेंट लेना जरूरी है। तो छोटे बाजारों की तरह आप दाखिल होते हैं तो कुछ बाजारों में आपने देखा होगा लोग जो सेल्समैन होते हैं वो दुकान के अंदर बैठे होते हैं और उसी दुकान का एम्प्लॉय गली में खड़ा होता है और ये कहता है बाजी ले ना लें एटलीस्ट देख तो लें, वो ये आवाजें लगाते रहते हैं आइए जी लीजिए लीजिए लीजिए। अब इस तरह के ये बेसिकली एलिमेंट क्यों किया जाता ताकि सेल को बूस्ट अप किया जा सके। बिल्कुल मेरे प्रॉब्लम ये थी कि मेरे सेल जो थी वो बूस्ट अप नहीं हो रही थी। मैं बेचता था फ्रेंच फ्राइज और मेरी फ्रेंच फ्राइज की सेल नीचे जा रही है और मैंने चूंकि एक बड़े बाजार में खरीद ली है दुकान किराए पर ले ली और मेरा किराया भी पूरा नहीं हो पा रहा, मुझे किसी तरीके से अपनी सेल बूस्ट अप करनी है। मैंने बड़ी कोशिश की बूस्ट अप करो, मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक साहब को हायर किया, मैंने कहा भाई आप मेरे लिए काम करेंगे जो मैं कहूँगा। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आपने फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाने वो मैं खुद बनाऊंगा, आपने फ्रेंच फ्राइज नहीं बेचने वो मैं खुद बेचूंगा, आपने कस्टमर्स को डील नहीं करना वो मैं खुद करूंगा। उन्होंने कहा फिर आप क्या करें, मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा भाई आपने ये करना है, मैं आपके लिए कॉस्ट्यूम लेके आया हूँ मिकी माउस का, मैं आपके लिए डोनाल्ड डक का एक लेकर आया हूँ कॉस्ट्यूम, आपने ये कॉस्ट्यूम पहनना है और पहनकर ये रोड में खड़े होना है और हर बंदे को ये पंपलेट बांटने और इशारा करना है अंदर जाइए और लोग आपको देखेंगे और आपने इशारा करना है कि यहाँ ये फ्रेंच फ्राइज खाइए, यहाँ ये फ्रेंच फ्राइज, बच्चों के साथ बैठना है बच्चों को इशारा करना है आइए जी फ्रेंच फ्राइज खाना है। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मुझे लगता था कि ये काम कर जाएगी। ठीक, अब मैंने जब स्ट्रैटेजी लगाई तो उस वक्त मेरे जहन में अगर ये था कि यार 100% ये काम करेगी तो मैं ये कहूँगा कि यार ये
मेरा डिसीजन जो था इसमें सर्टेनिटी मौजूद थी। लेकिन अगर मुझे ध्यान में ये डाउट है कि शायद 20% चांसेस हैं कि लोग इस बात का बुरा मनाएं और बोलेंगे ये क्या बेहूदगी है और शायद इससे मेरी सेल बूस्टअप ना हो, लेकिन हो सकता है 50% चांसेस ऐसे हैं कि मेरी सेल बूस्टअप करेगी और बच्चे अट्रैक्ट होकर आएंगे, और 30% चांसेस हैं कि शायद लोग आए भी शायद लोग ना भी आए। तो अब मैंने इसको प्रोबेबिलिटी दे दी है कि 20% चांसेस है कि मेरी सेल डिक्लाइन हो जाएगी, 50% चांसेस है कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, और 30% चांसेस है कि शायद हो शायद ना हो। जब इस तरह का मामला है तो उसको हम कहते हैं कि रिस्क का एलिमेंट मौजूद है। तो अब इस जरूरत में जब मैनेजर डिसीजन लेता है, या तो कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा होता है तो उस वक्त प्री एंड पोस्ट एनालिसिस किया जाता है। प्री एंड पोस्ट डिसीजन में डिसीजन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिसीजन लेने से पहले क्या हालात थे आपने वो चेक कर लिए, डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद क्या हालात हैं उनको चेक किया जाता है। जो डिसीजन लेने से पहले के हालात और डिसीजन लेने के बाद के हालात को आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर रिजल्ट हमारी फेवर में है तो इट मीन डिसीजन ठीक था, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है तो इट मीन डिसीजन ठीक नहीं था। तो जब हम लोग प्री डिसीजन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस वक्त मैनेजर एक एस्टिमेटेड नंबर्स देता है कि मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड सेल्स इतनी बूस्ट होगी, ये मेरी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है जो मैं जनरेट करूंगा इस डिसीजन से। तो उस एस्टिमेटेड रेवेन्यू के वक्त ये जो प्रोबेबिलिटी का वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाएगा, छोटी सी कैलकुलेशन की जाती है। वो कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, नीचे आएगा और नीचे स्लाइड पे आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि स्काई लिफ्ट चलाती है, स्की लिफ्ट चलाती है। स्की लिफ्ट का मतलब क्या, वो जो आपने देखा होगा मरी में या नारायण खान में या फिल्मों में देखा होगा या वीडियोस में, वो स्की लिफ्ट होती है, वो ये लोग कुछ लोग बैठते हैं, वो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है उसके अंदर बैठ कर आगे चलते चले जाते हैं। तो वो ये नॉर्मली जो बर्फीली इलाके हैं उन इलाकों के अंदर ये देखने को मिलता है। आपने स्की लिफ्ट आप एक नए लगाना चाह रहे हैं, आप नए स्की लिफ्ट लगाने पे आपका एक खर्चा आएगा, और वो खर्चा आप सिर्फ इस उम्मीद पे करेंगे कि आपको एडिशनल रेवेन्यूज मिलेंगे। तो इस खर्चा या डिसीजन को लेते हुए आपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज अपने पास एस्टिमेट कर रहे हैं। अब आपके जो मैनेजर जो आपको ये बता रहा है कि आप ये खर्चा कर दें, वो आपको इस तरह का एक टेबल बना के देगा और ये बोलेगा कि यार अगर हैवी स्नोफॉल हुई, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, याद रखें बर्फबारी ज्यादा होगी तो टूरिस्ट आएंगे तो हमारी स्की लिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे और हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा। अब इसने उन्होंने क्या कहा कि हैवी स्नोफॉल हुई तो उस रूप में हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि वो तकरीबन 8,50,000 डॉलर्स हो, वो हम जनरेट करेंगे। लेकिन हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 30% है, 0.3 का मतलब 30% है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 8,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 30% करते हैं तो हमारे पास 2,55,000 आता। लेकिन अगर नॉर्मल स्नोफॉल होती है तो सूरत में हमारा जो रेवेन्यू है वो 7,25,000 की उस मैनेजर की एस्टिमेशन है कि 7,25,000 डॉलर हम जनरेट कर लेंगे। नॉर्मल स्नोफॉल होने के चांसेस हैं 50%। तो हमने क्या किया, 7,25,000 का 50% निकाला और जो अमाउंट है उसे हमने यहाँ लिख दिया। फिर लाइट स्नोफॉल, बहुत कम स्नोफॉल हो, इस सूरत में हमारे पास जो रेवेन्यू है वो 3,50,000 डॉलर होगा और इस लाइट स्नोफॉल होने के चांसेस मौसम के अतबार से 20% चांसेस हैं कि स्नोफॉल थोड़ी लाइट सी होगी, वरना लग रहा है या तो नॉर्मल होगी, 50% चांसेस नॉर्मल होने के हैं और 30% चांसेस हैं कि हैवी स्नोफॉल। तो हमने लाइट स्नोफॉल पे 3,50,000 जनरेट करने थे जिसको मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे जो कि हमें लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं इस इवेंट के आकर होने के, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 हमारे पास एस्टिमेटेड रेवेन्यू आएगा। इन तीनों को आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे 2,55,000, 3,62,500 और 70,000, आप ये टोटल अमाउंट बन रही है 6,87,500। ये आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है तो तीनों कंडीशन की सूरत में आपका ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा। ये वाला मामला तब आता है जब रिस्क का एलिमेंट मौजूद हो आपकी डिसीजन के ऊपर, आप सर्टेन नहीं हो कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ उस पे आप 8,50,000 ही जनरेट करोगे, आर यू आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो इस बारे में। आप इस बात में भी क्लियर नहीं हो कि 7,25,000 मिल जाएंगे, आपको ये भी क्लियर नहीं है कि 3,50,000 मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3,50,000 जो है वो जुड़ा हुआ है लाइट स्नोफॉल, और लाइट स्नोफॉल होती भी है या नहीं इसका चांसेस सिर्फ 20% है, और नॉर्मल 7,25,000 डॉलर जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन तब जब नॉर्मल स्नोफॉल हो, नॉर्मल स्नोफॉल
होने के चांसेस सिर्फ 50% है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। और 850,000 का रेवेन्यू आप तब जनरेट करोगे जब हैवी स्नोफॉल होगी, और उसके होने के चांसेस सिर्फ 30% है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो अब इसमें अनसर्टेनिटी या रिस्क का एलिमेंट मौजूद है। तो इस सूरत में आप एस्टिमेटेड रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट करोगे। तो आप हमने जो बात की थी शुरुआत में कि जब मैनेजर डिसीजन लेता है तो उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके डिसीजंस के साथ, वो डिपेंड करता है उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो इसको प्रोबेबिलिटी लगा दी गई है और अब हमारे जो नंबर्स आए दैट इज एक्सपेक्टेड ऑल्टरनेट्स के में से जो भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वो होती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल्टरनेटिव्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम एंड मे फोर्स मैनेजर्स टू रिलाई ऑन इंट्यूशन हंचेस एंड गट फीलिंग्स। पिलफर्स मामला और वर्स हो गए। अब आप इतने ज्यादा बुरे हालात में हो कि आप सर्टेनिटी की तो बात कर ही नहीं सकते, आपको कुछ पता ही नहीं है कि ऑल्टरनेट्स जो है वो क्या आउटकम्स देखे जाएंगे। साथ ही साथ आप उसको प्रोबेबिलिटी भी नहीं बना सकते, क्या ये भी नहीं पता कि भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कि हाई हैवी स्नोफॉल होगी, कितने परसेंट चांसेस है कि लो लाइट स्नोफॉल होगी, यहाँ तक भी कुछ नहीं पता। तो उस सूरत में इस स्टेट को आप अनसर्टेनिटी कहते हो, और अनसर्टेनिटी के केसेस के अंदर आप लोग कोई रिस्क के लिए कोई चार्ट वगैरह टेबल नहीं बना सकते। लेकिन ये मामला सिर्फ तभी होगा जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ना के बराबर मौजूद हो कि इस ऑल्टरनेट से जो भी मैं आउटकम्स ले रहा हूँ उससे मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ नहीं पता। जब कुछ भी ना पता हो दिस इज वी कॉल अनसर्टेनिटी। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, थोड़े कुछ क्वेश्चन आंसर लेता हूँ और फिर हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं खावर महमूद अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, खावर महमूद, रमशा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। ठीक है रमशा बेटा, सर्टेनिटी को एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है आपके ध्यान में, क्या बनी है इसकी अंडरस्टैंडिंग? यस सर, सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन, जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, और आपको ये भी पता हो कि ये अगर हम ये वाली प्रॉब्लम के लिए ये वाला सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। शाबाश और अपना गुड, थैंक यू बेटा। सुंदस मिर्जा अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। सुंदस मिर्जा। यस सर। बहन रिस्क को एक्सप्लेन करेंगे, ये कब कंडीशन देखने को मिलती है? सर जब हमें प्रॉब्लम तो पता हो लेकिन डिसीजन का प्रॉपर्ली पता ना हो कि अगर हम ये डिसीजन अप्लाई करेंगे तो हमें 50-50 चांसेस हो कि आउटकम प्रॉपर मिलेगा या नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल ही ना पता हो या कुछ चांसेस हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। मेरा उमर फारूक अनम्यूट कीजिएगा माइक को। नहीं चलें, अब ये V2029 _PK, मैंने कहा था एक्चुअली नाम से आइएगा, डिवाइस के नाम से ना आए। अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिए। अच्छा ये भी अवेलेबल नहीं है, फिर करीब नहीं है। सुफियान खान माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा अपना। अच्छा ये भी अवेलेबल नहीं है, करीब नहीं है हमारे, नहीं बल्कि आगे। सुफियान खान बच्चे ये बताओ अनसर्टेनिटी के हवाले से क्या जहन में आता है आपके? हेलो, मे बी कोई नेटवर्क इश्यू है सुफियान की तरफ। मोहम्मद एहसनुल्लाह आइए जी, माइक अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद एहसनुल्लाह जी, एहसनुल्लाह जी कंटिन्यू जी। मोहम्मद एहसनुल्लाह आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलें, अच्छा ये बताएं अनसर्टेनिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है आपकी? सर लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास लिमिटेड हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो।
जिसके जरिए आपने जिसका डिसीजन लेना। ठीक है, तो सूरत में क्या मैनेजर कोई प्रॉपर डिसीजन ले सकता है या तुक्के मारने पड़ते हैं? तुक्के मारने पड़ते हैं। मैनेजर एक प्रॉपर और गुड डिसीजन ही ले सकता है। ठीक है, तो सूरत में उसे गट फीलिंग्स की तरफ जाना पड़ता है, इंट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है, हंचेस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है फिर। जी जी, थैंक यू। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम अपने चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे डिसीजन मेकिंग का, और दिस इज द ये वो एरियाज हैं जिस हवाले से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप जरा देख लें, अब इसके बाद हम जो दोबारा एक 40 मिनट का सेशन बाकी है, हम उसके अंदर ही अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर अभी मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन हमारा वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों आप लोगों का जो टॉपिक्स हैं दैट इज डिसीजन मेकिंग, रैशनैलिटी है, ये कवर कर लीजिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा अपने पास। स्लाइड नंबर 6-183 से लेकर यहां तक, यहां तक आपकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स हैं। अगली क्लास में जो भी ग्रुप होगा, और मैं चाहूंगा कि अगली क्लास में हमारे पास दो ग्रुप्स हों, बिकॉज क्लासेस अब इतनी ज्यादा नहीं बची हमारे पास। 6-195 यहां तक बच्चों आप लोगों ने कवर करना है अगली क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स। टॉपिक ज्यादा लग रहे हैं तो आप टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा आप उसमें। ठीक, अच्छा जी सर, कितने क्लासेस हैं? आई बिलीव शायद 3 या 4 क्लासेस बाकी होंगी हमारी। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर है प्लानिंग का, डिसीजन ये चैप्टर नंबर 7, फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग की तरफ जाएंगे। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग के मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था। अब हम सिर्फ इंडिविजुअल प्लानिंग की बात करेंगे कि प्लानिंग क्या चीज होती है। इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन जैसे स्टार्ट होगा हम थोड़ा सा और लेके चलेंगे प्रेजेंटेशन करनी है, और आज का हमारा तीसरा सेशन कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, प्लानिंग के अंदर याद रखिएगा एक मैनेजर की जिंदगी के अंदर प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। विदाउट प्लान आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं एज अ मैनेजर नहीं, एक जनरल बंदे की बात करूं, विदाउट प्लान यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कोई भी काम विदाउट प्लान करेंगे, चीजें हमेशा मैसी रहेंगी। छोटे से छोटा आसान से आसान काम भी विदाउट प्लानिंग नहीं किया जा सकता, सिवाय मैस के, सिवाय खराबी के, सिवाय मसले के, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज है विदाउट प्लानिंग जो की जाती है, दैट इज प्रॉब्लम क्रिएशन। प्रॉब्लम क्रिएशन हमेशा और हमेशा, और फेलियर्स जो हैं वो हमेशा और हमेशा विदाउट प्लानिंग ही किए जाते हैं। सो वो एक जुमला इस्तेमाल किया था, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नथिंग इट मीन्स यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग फेल्ड। अगर आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आप इनडायरेक्टली फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो, फेलियर्स का सामना करने की प्लानिंग करते चले जा रहे हो। तो प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं अपनी क्लास को यहाँ रोक रहा हूँ बिकॉज एक मिनट का वक्त बाकी रह गया, तो भी मैं अगर बात नहीं शुरू करूंगा तो वो खत्म होने से पहले ही हमारा सेशन एंड हो जाएगा और बात आधे में रह जाएगी। मैं सेशन को यहाँ पे खुद डेलिब्रेटली बंद करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि फौरी आप वापस आइए जैसे ही वीडियो जनरेट हो जाती है और हम अपना सेशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो और जो प्रेजेंटेशन के ग्रुप्स हैं बेटा